चलो ठीक है, स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो लेक्चर में एंड किया था वो था कैपेसिटेंस। हमने वो डिराइव किया था उसका एक्सप्रेशन, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या था, सी इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू प्लस टी थ्री बाय के थ्री एंड सो ऑन, ऐसे करके। अगर जहीं कहीं पे अगर एयर होगी तो उसका के हम जो है वो वन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, राइट। चलो अब उसमें हमने ये लिखवा दिया था तुम लोगों को कि एयर का, यहाँ पे लिख लो अगर मुझे याद नहीं है, लिखवा दे। हाँ, के ऑफ एयर इज, वन के ऑफ वैक्यूम इज वन, सेम है। के ऑफ कंडक्टर या मेटल इज इन्फिनिटी, के ऑफ कंडक्टर या मेटल अगर दे रखा हो तो उसका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये लिख लेना तीनों, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। अगर मेरे पास सपोज मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्टेड हैं, अच्छा उससे पहले एक एक हेडिंग बनाओ, उससे पहले हेडिंग बनाओ, ये लिख लेना जरूर, के ऑफ कंडक्टर या मेटल इज इन्फिनिटी। इसका मतलब, इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, के ऑफ कंडक्टर या मेटल अगर इन्फिनिटी है तो दैट दैट वुड मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कौन बताएगा मुझे? एनीवन? अरे बताओ, अगर मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसके बीच में सारा का सारा जो डाइलेक्ट्रिक डालना था वो मैंने क्या डाल दिया, वो मेटल ही डाल दिया, ये सारा मेटल डाल दिया अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ये सारा डाइलेक्ट्रिक मेटल डाल दूंगा तो इसकी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इस के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो रही है तो दैट मीन्स इट कैन होल्ड इन्फिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज। यस, इट कैन होल्ड, मेटल है ना, इट कैन होल्ड इनफिनिट अमाउंट, जितना इसको चार्ज देते रहेंगे खाता रहेगा, जितना चार्ज देते रहेंगे खाता रहेगा, पास करता रहेगा आगे, करता रहेगा, होल्ड करता रहेगा, होल्ड करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने मेटल का जो सी मतलब के जो लेना है वो इन्फिनिटी लेना है, बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस होती है मेटल की, ठीक है जी। डायलैक्ट्रिक इतनी नहीं होती, डायलैक्ट्रिक जो है वो ब्रेक होने लगता है, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटने लगते हैं ज्यादा चार्ज देने पे। चलो अब हेडिंग बनाएंगे सर जो हम। कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं वो मेटल से बनी होती है इंसुलेटर से? क्या सर जो कैपेसिटर्स की प्लेट होती है वो सर जो कैपेसिटर्स की प्लेट होती है वो कौन से मटेरियल से बनी होती हैं? वो तो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, फिर सर उसकी भी कैपेसिटेंस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए? अरे नहीं यार वो तो कंडक्टर है ना। यहाँ पे मेटल प्लेट बीच में इंसर्ट करने का मतलब देख क्या है, मैं यहाँ पे एक, इट इज एज गुड एज मैंने अगर बीच में यहाँ पे मेटल प्लेट लगा दी, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है, ठीक है, ये मेटल प्लेट्स थी, उसके बीच में मैंने क्या कर दिया, एक मेटल प्लेट घुसा दी बीच में। अब मेटल प्लेट क्या करेगी, इट विल एक्ट एज अ वायर, मतलब इधर मैं चार्ज देता रहूंगा, वायर से चार्ज आके पास होता रहेगा, इधर जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, जाता रहेगा, तो इट इज काइंड ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट नाउ। तो बैटरी से चार्ज जो निकल रहा है, जो इसको चार्ज कर रहा है, वो कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जितना चार्ज ये ले रहा है वो आगे पास करता जा रहा है, इट इज अ कंडक्टर ना। कंडक्टर क्या करता है, जो चार्ज इधर आया बैटरी ने, इधर पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, भागा पॉजिटिव, इधर से भागा भागा भागा, इधर आ गया, अब वो पॉजिटिव अंदर इधर चला गया, आगे चला गया, आगे चला गया, आगे चला गया, आगे आगे इधर चला गया, तो यूं चक्कर मारता रहेगा पॉजिटिव चार्ज,
इट विल नॉट होल्ड ऑन दिस, ठीक है जी। तो ये मतलब है इसका। चलो अब मीडियम की तरह, हाँ पहले जब एयर थी, एयर में क्या होता है, एयर यहां पे अगर ध्यान दो, अगर मैं एयर होती है तो इसने पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दिया, पॉजिटिव इधर भागा, इधर गया, इधर गया, यहां पे जाके रुक जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाके आगे छलांग नहीं लगाएगा, इधर वो रुक गया, और पॉजिटिव दिया वो और रुक गया, और पॉजिटिव दिया और रुक गया, और पॉजिटिव दिया और रुक गया, तो बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, लेकिन अब एक लिमिट आ गई और पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कैपेसिटेंस हर चीज की एक लिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे कैपेसिटेंस का सवाल ही नहीं उठता, इट इज एक्चुअली नॉट अ कैपेसिटर एनीमोर, ये कैपेसिटर रहा ही नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अ कैपेसिटर नाउ, इट्स अ सिंपल कंडक्टिंग वायर नाउ, इट्स अ कंडक्टर, एक शीट बीच में एक ब्लॉक डाल दिया, यूं समझ लो तार की जगह एक लोहे का डब्बा डाल दिया जो कि आगे करंट को पास करता जा रहा है, तो इट इज नॉट एट नॉट अ कैपेसिटर एनीमोर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो इसलिए हम बोल देते हैं यहाँ पे कि इट कैन टेक इनफिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पास इट ऑन टू द नेक्स्ट टर्मिनल एंड टू द बैक टू द बैटरी, इट इज पासिंग द चार्ज टू द बैटरी अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर हाँ, अगर शिरवी इज आस्किंग कि अगर हमने मेटल को पूरा बीच में यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया है, मान लो मेटल मैंने सिर्फ थोड़ी सी जगह पे डाला है, ये था मैंने आधी जगह में मान लो मेटल डाल दिया, इधर डाल दिया मेटल, तो नाउ कैपेसिटेंस सिर्फ इतना बच जाएगा, ये डी बाय टू है, मान लो ये डी बाय टू है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, सी विल बी व्हाट, इसका कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है, डी बाय टू बाय वन प्लस डी बाय टू बाय इंफिनिटी, तो d by 2 by infinity, तो ये तो जीरो ही हो गया, तो बचा क्या epsilon not a by d by 2, तो सिर्फ इतना कैपेसिटर बच गया, अब ये वाला समझ गए, चलो चलो ये केसेस मैं कराऊंगा तुम लोगों को बाद में, विल डू मेनी केसेस इन दिस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स डालेंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स को अलग अलग डायरेक्शन में डालेंगे, इसको ऐसे भी डालेंगे, ऐसे भी अलग अलग तरह से इसको करेंगे, बाद में तब करते हैं इसके केसेस, ठीक है। ठीक है, अभी हम करेंगे वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस, टॉपिक डालो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटर, वेरिएशन ऑफ, हाँ अभी स्क्रीन क्लियर हो गई ना, बिल्कुल हाँ नेट सही हो गया, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, due to dielectric insertion sir, हाँ जी sir, मैं disconnect हो गई थी, मेरे को पता नहीं अभी हमने क्या बोला, क्या लिखवाया, variation of parameters of capacitance due to dielectric insertion, ड्यू टू डायलेक्ट्रिक इंसर्शन। अब इसमें हम दो केसेस करेंगे, वैसे ही जैसे तुम लोगों को याद होगा एक पिछले टॉपिक में हमने किया था कि जब बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो उस केसेस में अगर हम विड्थ को कम ज्यादा करते हैं तो वेरिएशन कैसे होती है पैरामीटर्स की, कैपेसिटेंस की, एनर्जी की, वोल्टेज की, चार्ज की, इन सब की वेरिएशन कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें दो केसेस करेंगे हम, एक में बैटरी को डिसकनेक्टेड रखेंगे, एक में कनेक्टेड रखेंगे, ठीक है। तो इसमें
ना लो, व्हेन डाइलेक्ट्रिक, लिख लो इसमें, अंदर लिखो इसके पॉइंट, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज, व्हेन डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, व्हेन डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. When dielectric is inserted, dielectric of constant K is inserted between the plates of a capacitor. ठीक है जी, तो क्या क्या है यहां पे, इधर बना लो पैरामीटर्स, इधर बैटरी इज कनेक्टेड, इधर बैटरी इज डिसकनेक्टेड. तो अब तुम लोग दिमाग लगाओगे और मुझे बताओगे, बैटरी इज कनेक्टेड एंड बैटरी इज डिसकनेक्टेड. तो फर्स्ट है इसमें कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी. कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क आएगा हमने अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, बताओ, भेजो मुझे. आर्यन का आंसर है ठीक है, आर्यन का ठीक है, ऐसे बताना है इंक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज, आई आई डी डी, आई डी या डी आई, ऐसे बता दो मेरे. Increase, decrease, increase, 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 decrease, increase. हाँ जी, बाकी भी बताओ भाई, बाकी अमोल, अगम, आदेश, बबलीन, भूमिका, चमन, नब्बा पार्टी, दिग्गज, शिरवी का गलत है, बाकी ऑलमोस्ट सबने सही भेजा है. शिरवी जरा मुझे एक्सप्लेन करो, सेकंड केस में डिक्रीज क्यों होगी, एंड वंशिका तुमने भी डिक्रीज बोल दिया है दूसरे केस में. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो इसमें भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इसमें भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो इसमें भी इंक्रीज हो गई, इसमें भी इंक्रीज हो गई, दोनों में इंक्रीज करेगी. के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी डिस्कनेक्ट है कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो डिपेंड ही नहीं करती बैटरी पे, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है उसके खुद के डायमेंशंस पे एंड मटेरियल इनसाइड द प्लेट्स पे, बस दो चीजों पे डिपेंडेंट है कैपेसिटेंस, और किसी पे डिपेंड ही नहीं करती. ठीक है, तो ये दोनों साइड आएगा इंक्रीज. दूसरी चीज आएगी, अब हम बात करते हैं, मान लो चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी. अच्छा, चार्ज किसमें कंजर्व्ड रहेगा, सिर्फ इतना बता दो मुझे, चार्ज दोनों में किसमें से किसमें कंजर्व्ड रहेगा, बैटरी कनेक्टेड में या बैटरी डिस्कनेक्टेड में, फर्स्ट या सेकंड. आर्यन का ठीक है, प्राची कोयल का ठीक है, करण गलत है, हरदात का ठीक है, आर्यन का हाँ ठीक है जी. अरे फर्स्ट वालो, अरे फर्स्ट वालो, का करत रहे तुम लोग, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, एक बात बताओ मेरे को, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो बैटरी कैन
गिव चार्ज एंड टेक चार्ज, बैटरी चार्ज दे भी सकती है ले भी सकती है। तो अगर बैटरी डिसकनेक्ट सॉरी बैटरी कनेक्टेड में हम कोई छेड़छाड़ करेंगे इसे कैपेसिटर से, तो वो तो चार्ज या तो फालतू और दे देगी या खींच लेगी। लेकिन अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है, बैटरी अब डिसकनेक्टेड है इसमें, अगर कैपेसिटर ऐसे कहां भागेगा चार्ज, कहीं जा ही नहीं सकता। और इट इज क्लोज, इट इज ओपन सर्किट, कहां जाएगा चार्ज, कहीं नहीं जा सकता, जितना चार्ज है उतना रहेगा। अरे इतना दिमाग में फिट कर लो कि अगर कैपेसिटर को हमने ऐसे टेबल पे रख रखा है डिस्कनेक्ट करके, तो जितना चार्ज है उतना ही रहेगा भाई, चार्ज कहां जाएगा, छलांग तो नहीं लगाएगा ना प्लेट से, तो बैट इसमें रहेगा चार्ज सेम, लेकिन इसमें सेम नहीं रहेगा। अच्छा इसमें क्या सेम रहेगा, इस ये बाद में करते हैं। ये बताओ मुझे पोटेंशियल V, पोटेंशियल दोनों में से किस में सेम रहेगा, कनेक्टेड वाले में पोटेंशियल किस में सेम रहेगा, कनेक्टेड वाले में। अरे पोटेंशियल क्यों सेम रहेगा, पोटेंशियल इसलिए सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। अब बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी ने, बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। बैटरी का एक लौता काम क्या है, बैट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। जितना पोटेंशियल बैटरी का है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस वो कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन रखेगी। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। नाउ क्योंकि इसमें पोटेंशियल सेम है, इस कॉलम में पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा यहां पे इंक्रीज, यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा इंक्रीज। यहां पे चार्ज होगा इंक्रीज क्योंकि Q इज इक्वल टू CV है, V तो सेम है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई तो चार्ज भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पे क्योंकि Q सेम है, यहां पे अब Q सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ गई तो वोल्टेज क्या हो जाएगी डिक्रीज। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, पोटेंशियल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, कोई दुख तकलीफ इसमें, सही है चीज, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है तो ये हमें लग गया पता। ओके चलो, अच्छा अब जो हम बात करेंगे वो है अगला क्या आता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, यूज इक्वल टू कौन सा, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर, इसमें हम यूज करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि V कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, V क्या है कांस्टेंट सेम है, तो U जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है। अब C बढ़ रहा है, C बढ़ रहा है तो इसलिए U भी बढ़ जाएगा, C बढ़ रहा है देयरफॉर U भी इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सेकंड में हम यूज करेंगे U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। अब यहां पे क्या है, Q सेम है तो मैं बोल सकता हूं U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। नाउ C इज इंक्रीजिंग देयरफॉर U विल डिक्रीज, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अरे चमक गया, किसी को इसमें दुख तकलीफ है तो बता दो, यस नो, अच्छा लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसमें लास्ट, अभी मेरे पास तो जगह नहीं है, तुम लोग सेम इसी में कंटिन्यू करो। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड
between the plates. ये लो भाई नमन, करो नोट इसको, एक बार नोट कर लो इसको. ठीक है जी, अब मेरे को बता दो इसमें कि इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, सेम सेम जो भी है बताओ मेरे को. पहले वाले में बैटरी कनेक्टेड है, दूसरे में डिसकनेक्टेड है, तो सेम करंट का सही है. राहुल नहीं हो सकता. ओके, आर्यन का सही है, यशिका का सही है, कोमल नहीं, अर्पिता का सही है, यशिका का सही है, प्राची का गलत है, शिरवी का सही है, हरमन का सही है, साहिल अग्रवाल का सही है, अर्षित का सही है, दिग्गज का गलत है, जैस्मीन का सही है, कृतिका का सही है, वंशिका का सही है, प्रशांत मिश्रा का गलत है, राहुल का गलत है. आस्था तुमने एक आंसर भेजा है, दोनों भेजो. मानविंदर का सही है.